नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के अंतर्गत नवाडीह प्रखंड के किसान वर्षा की आस में बैठे हैं। इस संबंध में कृषक मिश्रीलाल महतो ने कहा कि इस वर्ष वर्षा होने की संभावना नहीं है, फिर भी किसान उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदी नाले, तालाब, कुआं आदि सूख चुके हैं, अभी तक धान का बीजा नहीं लगा पाए, जबकि यहाँ के लोग धान की खेती पर विशेष निर्भर करते हैं। वर्षा का ना होना किसानों के लिए रोजमर्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर इस वर्ष खेती नहीं होगा तो क्षेत्र के किसान खेती पर ही निर्भर हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और खेती, खेत से अगर अनाज नहीं निकलता है तो हम समझते हैं घर घर यहाँ आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र के जनता खेती पर ही निर्भर है, और विशेषकर बारिश की खेती, धान की फसल पर ही लोग निर्भर रहता है। और अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो हम समझते हैं कि क्षेत्र के जनता, खेती बाड़ी करने वाले लोग, काफ़ी इनकी जो रोज़मर्रा की स्थिति है काफ़ी ख़राब हो जाएगा। लोग मायूस हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, खाने का नौबत एकदम ढीली हो जाएगी। और इन साल का जो स्थिति है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, आज 17 जुलाई है, और अभी तक मौसम का जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। खेत खलिहान बारी टण खेती सब सूखा हुआ है, सभी तालाब, छोटे छोटे नदी नाले, कुआं, डोभा सब सूख गया है। पानी का स्थिति काफ़ी ख़राब है, यहाँ तक कि पीने का पानी का भी नौबत आ गया है। इसलिए इन साल का स्थिति देखा जा रहा है काफ़ी ख़राब है। बारिश का मौसम का मिजाज बन ही नहीं रहा है, जिसके कारण से इस क्षेत्र के सभी किसान काफ़ी मायूस हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि ये साल खेती का क्या स्थिति होगा, पता नहीं ये ऊपर वाला और मौसम का मिजाज कब बनेगा। अभी भी इंतज़ार है किसानों को कि कहीं ना कहीं अगर अभी भी एक दो दिन के अंदर बारिश हो जाएगा तो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ 50% खेती हो जाएगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।